टीचिंग अस्पतालों से खबर है, जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन का शदीद बहरान पैदा हो चुका है। हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन का जो मरहला शुरू किया गया था उसको अधूरा ही छोड़ दिया गया और 70% बताया जा रहा है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगाया गया। टीचिंग अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन खत्म हुए कई रोज गुजर चुकी हैं। इस सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, क्या बताया जा रहा है, क्या वैक्सीन पहुँचाई जा सकेगी या फिर हालात मजीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे? जी, हुकूमत ने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको फ्रंट लाइन जो है वो सोल्जर होने की वजह से कोरोना के खिलाफ उनकी वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया था। 1 लाख हेल्थ केयर वर्कर जो हैं वो पंजाब भर में उनकी वैक्सीनेशन हो सकी थी 3.5 लाख में से, और इनमें से 30,000 को जो है वो दूसरी खुराक भी दी जा चुकी थी। लेकिन अब कई रोज से टीचिंग अस्पतालों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो वैक्सीन है उसका स्टॉक खत्म हो चुका है, मजीद स्टॉक अभी तक नहीं मिला, जिसकी वजह से ना सिर्फ 70% से ज्यादा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो अभी तक वैक्सीनेशन के मुंतजर हैं, और जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो दूसरी खुराक के मुंतजर हैं। लेकिन अगर वो नहीं मिलती तो उनकी पहली खुराक भी जाया हो जाएगी। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका।